प्रश्न 45। किसी समानुपात का प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ पद क्रमशः 4, 7 एवं 21 है, तीसरा पद ज्ञात करें। तो लिखेंगे, माना कि तीसरा पद, माना कि तीसरा पद x है, तो तीसरा पद को x मान लेंगे, ठीक है। अतः 4:7 समानुपात x अनुपात 21, इस तरह लिख लेंगे। तीसरा पद को x माने, तो देखिए तीसरा स्थान पे x को लिखेंगे तो समानुपात में है, ठीक है। तो 4:7 समानुपात x अनुपात 21, इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए 4:7 को हम लिख सकते हैं 4/7, समानुपात की जगह पे बराबर का चिन्ह देंगे, और x अनुपात 21 को लिख सकते हैं 1/21, इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। 4:7 को लिख लेंगे 4/7, और समानुपात के जगह पे बराबर का चिन्ह देंगे, और x अनुपात 21 को लिख लेंगे 1/21। अब इसको हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा। अब देखिए तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 × x 7x, और 21 × 4 84। तो 21 को 4 से गुना करेंगे और 7 को x से गुना करेंगे। तिरछा गुना करते हैं, ठीक है। तो 7 को x से और 21 को 4 से गुना कर लेंगे, तो 7 × x 7x, और 21 × 4 84। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 84/7। 7 x के साथ गुना में है तो 7 को इधर लाएंगे तो भागम हो जाएगा बराबर के दायां तरफ। तो 84 को 7 से भाग देंगे, 12 बार में कट जाएगा, यानी 12 × 7 = 84। तो x बराबर कितना आ गया, 12, यानी तीसरा पद क्या होगा, 12 होगा। समानुपात का तीसरा पद होगा 12। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न 46। क्या 2, 4, 3 समानुपाती है? तो देखिए 2, 4 और 3 समानुपाती है कि नहीं, ये पूछ रहा है। तो 2 और 3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो 6 आएगा, और जो बीच वाला पद है उसको 2 बार गुना करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। तो बीच वाला पद को 2 बार लेना है, जब इस तरह दिया हो तो बीच वाला पद को 2 बार लेना है, और पहला और तीसरा पद को गुना कर देना है, ठीक है। पहला और जो अंतिम है 3, उसको गुना करना है, और बीच में जो संख्या है उसको 2 बार गुना करना है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा पद भी 4 है, तीसरा पद भी 4 है, इसीलिए सिर्फ 4 लिखा गया है, ठीक है। पहला पद है 2, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद भी 4 है, चौथा पद 3 है। समानुपात में क्या होता है, 4 पद होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो पहला और चौथा गुना करेंगे, और बीच वाला, तो बीच में 4 है यानी 4 × 4 करेंगे। तो देखिए 1 6 आ रहा है, 1 16 आ रहा है, अगर दोनों बराबर आता तब ये समानुपात में होता। तो इसका उत्तर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नहीं, यानी 2, 4 और 3 समानुपात में नहीं है, समानुपाती नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा, नहीं, यानी उत्तर में नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहला और अंतिम पद को गुना करने पे कितना आया, 6, और बीच वाला पद को गुना करने पे कितना आया, 16, बराबर नहीं आया है, इसीलिए ये समानुपाती नहीं है 2, 4, 3।